बड़ी खतरनाक जगह काम कर रहे हो यार। क्या करें, मजबूरी है, साइड में करना ही पड़ता है। हाँ जी ठीक है सर, तो निकलता हूँ मैं, बाय बाय। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं कॉमिक विलेज। दोस्तों कॉमिक दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बसे हुए गांव में से एक है, जो कि करीब 4587 मीटर यानी के 15,049 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों कॉमिक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले काजा पहुंचना पड़ता है, और काजा से हम लोग लांगजा और हिक्किम होते हुए कॉमिक पहुंचते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं स्पीति वैली का लोनलीस्ट रास्ता। इस पूरे रास्ते में मेरे को हार्डली कोई गाड़ी देखने को मिली थी, और इस रास्ते के जरिए हम सबसे पहले पहुंचेंगे कॉमिक, कॉमिक के बाद हिक्किम और लांगजा, या जो सही तरीका है वो काजा, काजा के बाद लांगजा, उसके बाद हिक्किम और उसके बाद कॉमिक है। लेकिन हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते से कॉमिक पहले आएगा और उसके बाद हिक्किम लांगजा, फिर हम लोग काजा पहुँचेंगे। तो दोस्तों ये जो रास्ता है बहुत ही लोनली रास्ता है। इस पूरे रास्ते में हार्डली मेरे को कोई और गाड़ी देखने को मिली, और ये कच्चा रास्ता है और काफ़ी एडवेंचरस रास्ता है। इस रास्ते पे कुछ वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग भी मेरे को हुई थी, जो कि आप इस वीडियो में आगे चल के देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, वीडियो में बने रहे हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोकल भाई लोग मिले थे, जिन्होंने बताया कि ये लिदुम वाला जो रास्ता है कॉमिक जाने का वो अभी बंद है, तो पहले काजा ही जाना पड़ेगा, और काजा जाके फिर लांगजा हिक्किम होते हुए कॉमिक आना पड़ेगा। यहाँ से रास्ता है नदी के नीचे उतरने का, कुछ लोग गए भी हुए हैं। अच्छा डेमिल से पहले ही रास्ता मुड़ेगा, बोर्ड लगा होगा वहाँ पर, बोर्ड लगा एक ही रास्ता। अच्छा बाकी वैसे वो लोग तो मिल ही जाएंगे ना वहाँ बताने के लिए रास्ता। ठीक, अब क्या करना है, घूमने जाना है सर। अच्छा अच्छा मिल जाए। अच्छा ठीक है, तो मैं इधर से निकलता हूँ फिर। ओके तो दोस्तों यार फाइनली ये वाला जो रास्ता है ये है लिदांग वाला रास्ता, जो कि जाता है कॉमिक। और ये जो पहाड़ी है ना दोस्तों, ये वाली जो पहाड़ी है यहाँ से ऊपर से होके हमको जाना पड़ेगा, और काफ़ी ऊंचाई है। ये जो कर्व्स दिखाई दे रहे हैं ये रोड्स हैं, और इस पहाड़ी को चढ़ने के बाद हम पहुँच जाएंगे वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज पर। तो देखते हैं दोस्तों कैसा रहेगा रास्ता, अपनी गाड़ी चढ़ पाएगी चढ़ाई को या नहीं। और ये बहुत सारे कर्व्स हैं, ये जो पहाड़ दिख रहा है ना दोस्तों लेफ्ट में, इसके बिल्कुल टॉप पे जाना है। चढ़ाई तो बहुत ज़्यादा है, गाड़ी भी लोड तो मान रही है थोड़ा थोड़ा सा। ओके तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं कॉमिक वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज, और अभी ये कुछ रास्ता है हमारा, वहाँ नीचे से कहीं से हम लोग आ रहे हैं। ये वाला जो रास्ता है ये वाला रास्ता मेरे को पहले एक लोकल ने बोला था बंद है, और ज़्यादातर जो लोग हैं ऑलमोस्ट 99.9% लोग दनकर से पहले काजा जाते हैं, काजा से फिर ऊपर की चढ़ाई करना शुरू करते हैं, और हम लोग उल्टा कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं पहले कॉमिक, जो कि सबसे हाईएस्ट जगह है, और उसके बाद हम लोग जाएंगे हिक्किम, जहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, और उसके बाद हम लोग जाएंगे लांगजा, और लांगजा से फिर हम लोग जाएंगे काजा। और ये देखिए दोस्तों यहाँ जो फ्रेम के बीच के में ये वाली जो है, ये यहाँ पर जो एक ग्रीन सी हट है ना, ये वो चाय की दुकान है जहाँ से हमने रास्ता पूछा था, और वहाँ से हम लोग अभी इतने ऊपर आ चुके हैं, और वहाँ से ये पहाड़ बहुत ऊँचा है, और अभी हम लोग उसी पहाड़ के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। और ये जो सामने पूरा पहाड़ है ना, ये पूरा क्रॉस करना पड़ेगा, पूरा इसके ऊपर चढ़ के फिर आगे से रास्ता जाएगा, तो काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पर। तो दोस्तों इस वाले रास्ते पे अभी तक तो हमें कोई नहीं मिला, ना कोई टूरिस्ट ना कोई लोकल, और रास्ता बहुत ही सुंदर है यार। अभी हम लोग ऑलमोस्ट इस पहाड़ी के टॉप पर पहुँचने वाले हैं, और भाई गाड़ी बहुत लोड मान रही है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पर, लेकिन मना नहीं कर रही है, चढ़ रही है भाई, उम्मीद नहीं थी भाई। नीचे से जब मैं इस पहाड़ को देख रहा था ना यार,
मेरे को डर लग रहा था, मतलब गाड़ी की तो क्या ही बात करूँ, मुझे डर लग रहा था कि भाई यहाँ चढ़ेगी कैसे यार, लेकिन चढ़ रही है भाई गाड़ी, जा रही है भाई, स्पीड तो नहीं पकड़ रही लेकिन चढ़ रही है बस, और जितनी स्पीड से चढ़ रही है ना बस उतनी स्पीड से मैं इसको जाने दे रहा हूँ, क्योंकि अगर ये रुकी ना भाई, अगर गाड़ी बंद हुई तो समस्या हो जाएगी, फिर चढ़ानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ी है वो मोमेंटम के साथ ही चढ़ती है, बीच में रुकेगी तो फिर नहीं चढ़ पाएगी ये गाड़ी। और भाई ये वाले जो पहाड़ है ना बड़े खतरनाक होते हैं, अगर तेज हवा भी चलेगी तो यहाँ से पत्थर गिर सकते हैं। और दोस्तों अभी हम लोग चढ़ रहे हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज पर, तो दुनिया का सबसे हाईएस्ट विलेज है, तो ऑफ कोर्स चढ़ाई तो खतरनाक होनी है। और दोस्तों अभी हम लोग ये जो बर्फ के पहाड़ हमको दिखाई दे रहे थे ना, ऑलमोस्ट उनके बराबर वाली हाइट पे पहुंच गए हैं। और ये देखिए दोस्तों जो पहाड़ हमें नीचे से बहुत ऊंचे लग रहे थे, अभी हम उन्हीं पहाड़ों के ऊपर पहुंच गए हैं, और यहाँ थोड़ा सा खतरनाक रास्ता है लेकिन ठीक है, ओवरऑल बढ़िया रास्ता है। आगे जाके एक मोड़ आएगा, वहाँ से हमें कॉमिक की तरफ मुड़ना होगा। बहुत सुंदर जगह यार, बहुत खतरनाक जगह, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं दोनों साइड रोड के, और इधर नीचे भी बिखरे पड़े हुए हैं, थोड़ी सी एक छोटी सी वैली टाइप से है ये। और ये देखिए दोस्तों, मतलब जो फोटो खिंचवाने वाले पत्थर होते हैं ना वो है ये। गाड़ी अगर कहीं भी रुकती है ना यार, उसके बाद वापस चढ़ने में बड़ी मुश्किल करती है। अभी हम लोग पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे आ गए यार, इसी से अंदाजा लगाओ ये जो सामने पहाड़ है ये नीचे से मतलब ऐसे दिख रहा था जैसे पता नहीं कहाँ ही होगा, और अभी हम लोग बिल्कुल ऊपर पहुंच गए हैं भाई। अभी बड़ी खुशी मिल रही है, आई एम रियली हैप्पी कि हम इस चढ़ाई को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ आने के बाद का जो मज़ा है ना यार, मतलब मेरा तो रुकने का मन कर रहा है, अगर मेरे पास टाइम का थोड़ा सा इशू ना होता मैं रुकता यहाँ ऊपर बिल्कुल पहाड़ के। ओके तो दोस्तों अभी मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, लेकिन जो देमूल वाला रास्ता है उस रास्ते पे चढ़ के मैं यहाँ पहुँचा हूँ इस जगह। और भाई ये जो जगह थी ना ये बहुत ही सुंदर जगह है, ये देखो दोस्तों पूरी जगह बहुत सुंदर है, और सबसे बढ़िया बात है यहाँ कोई नहीं है यार, कोई टूरिस्ट नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं आता यहाँ। इस जगह आके जो खुशी मिल रही है ना यार, मैं बयान नहीं कर सकता उस खुशी को, सही में बहुत 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 सुंदर जगह है। सामने वाला जो पहाड़ है ना वहाँ पर चोटी पे, वहाँ पर कुछ तो शायद एक स्टूपा टाइप से बना हुआ है, तो जाने को तो वहाँ तक भी चल के जा सकते हैं, लेकिन वहाँ तक तो आज हम लोग नहीं जाने वाले। ये कौन सी जगह है? अच्छा आप भी नए आए हो, बहुत सुंदर जगह है यार, यहाँ कोई नहीं मिला मुझे पूरे रास्ते में ना ऊपर आते हुए, इधर कम लोग आते हैं शायद, काफी कम आते हैं, गांव तो इसी तो इधर से जाके है। अच्छा इधर लास्ट में जाके। अच्छा तो आप अभी कहाँ से आ रहे हो वैसे? देमूल से आ रहा हूँ। अच्छा देमूल आगे जाके है, देमूल से आगे फिर कॉमिक पड़ता है ना, कॉमिक जाने में। अच्छा कॉमिक के लिए इधर लेफ्ट लेना पड़ेगा, ये वाला जो रास्ता है सामने। ओके और वहाँ ऊपर क्या है? ऊपर पहाड़ के ऊपर शायद कुछ स्टूपा टाइप से बना हुआ है। हाँ एक स्टूपा है, बहुत ऊपर है यार, वहाँ तक जाना तो अभी मुश्किल ही रहेगा। हाँ बहुत मुश्किल होगा, अभी आज थोड़ा सा आदमी चला गया। अच्छा गए हैं कुछ लोग? हाँ अभी भी गया। अच्छा वो ऊपर सामने दिखाई दे रहे हैं वहाँ। हाँ हाँ
तो दोस्तों वहाँ ऊपर लास्ट में जाके बीच में, अगर आप जो स्क्रीन के बीच में जो पहाड़ का टॉप दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर एक स्टूपा है और वहाँ पर जाने का रास्ता भी है, लेकिन वहाँ पर आने जाने में ही करीब 2-3 घंटे चले जाएंगे। तो हम लोग इवन दो, मेरा बहुत ज़्यादा मन है जाने का यार, बहुत ज़्यादा मन है, लेकिन नहीं जाएंगे यार, आज नहीं जा सकते। अभी जिस जगह पे हम लोग रुके थे वो देमुल गांव के रास्ते में आता है और बहुत ऊंचाई पे है ये जगह, मतलब हजारों फीट की ऊंचाई पे है यार, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है और बहुत खूबसूरत जगह है ये जगह। मुझे बस एक्सीडेंटली ऐसी ही मिल गई, नहीं तो मेरे को ऐसी किसी जगह के बारे में पता भी नहीं था। तो ठीक है, तो दोस्तों अभी चलते हैं आगे कॉमिक की तरफ और फिर कॉमिक में जाके मिलते हैं। और दोस्तों ये आई थिंक यहाँ पर रास्ता बंद किया हुआ है, हाँ ये रास्ता बंद किया हुआ है यार, क्यों बंद किया हुआ है ये पता नहीं, लेकिन अभी चलते हैं थोड़ा सा। हेलो सर जी, ये रास्ता बंद है सर? अच्छा, कॉमिक किधर से जाएंगे सर? पैदल चढ़ना मुश्किल है यहाँ? पैदल नहीं चल पाओगे, पैदल तुम्हारा 2 घंटा लगने लगा, तुम्हारा 1 घंटा लगेगा पैदल। अच्छा अच्छा, उतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है ऑक्सीजन का? इतना फर्क पड़ेगा। अच्छा, जो कि मतलब हवा यहाँ बैठने वाला आदमी है ना, हाँ नहीं पड़ता, जो बाहर से आया तो उसको समस्या ही होता है। हाँ ये तो है, हाँ। आप कहाँ से हो? अच्छा नेपाल से हो, यहाँ काम कर रहे हो? बढ़िया सर, बड़ी खतरनाक जगह काम कर रहे हो यार। हाँ जी ठीक है सर, तो निकलता हूँ मैं, बाय बाय। ओके बाय बाय। ओके तो दोस्तों यहाँ पर अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और यहाँ से ये जो रास्ता है ये बंद है और हमको भी जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे की साइड। यहाँ से इन्होंने जो सर हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि करीब 50 मीटर दूर जाके यहाँ पर जो ये स्टूपा है, स्टूपा से 50 मीटर और आगे जाके फिर वहाँ पर एक कच्चा रास्ता मुड़ेगा और वही रास्ता हमको लेना है, वही रास्ता हमें पहुँचाएगा कॉमिक। हाँ दोस्तों अभी 2 लोग यहाँ सामने की तरफ हैं और इन जगहों पे आदमी मिल जाए ना तो भाई बहुत ही सही होता है, क्योंकि इन जगहों पे आदमी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ इनसे पूछते हैं अभी, सर कॉमिक जाना था मेरे को। कॉमिक जाना है? हाँ जी। अच्छा, नीचे से उधर के वो एक बोर्ड है, बोर्ड लिखा हुआ है। अच्छा, डेमो टू कॉमिक। अच्छा, बोर्ड से उस तरफ जाना। ठीक है, बोर्ड बिल्कुल साफ है। ठीक है, थैंक यू सर। यहाँ से कितनी दूर पड़ेगा वो बोर्ड? बोर्ड यहाँ से बोर्ड 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर, ठीक है, थैंक यू। और इन्होंने बताया कि यहाँ से अभी करीब कुछ 2-3 किलोमीटर आगे एक बोर्ड मिलेगा और उस बोर्ड को फॉलो करना है और तब जाना है कॉमिक। यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं यार, थोड़ा सा बचा के निकालनी पड़ेगी साइड से। और भाई हवा का तो क्या ही कहना, यहाँ पर बहुत खतरनाक हवा चल रही है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो स्टूपा है इसके पास जो झंडे लगे हुए हैं उनसे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी हवा चली हुई है यहाँ। और अभी कहाँ से जाएंगे यार? ओके तो दोस्तों ये है संपर्क मार्ग कॉमिक देमुल, ये था वो बोर्ड
कैसे ही पता चले गए, बोर्ड पता नहीं अलग ही गंदा कर रखा है लोगों ने। और ये वाला अभी ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है पूरा का पूरा, कच्चा रास्ता। ये रास्ता हमें कनेक्ट करेगा कॉमिक से, तो ये वाला रास्ता चढ़ रहा है सामने वाले पहाड़ के ऊपर, और आई थिंक इस पहाड़ को क्रॉस करने के बाद आ जाएगा कॉमिक। ये जो रास्ता है पूरा का पूरा एक ऑफ रोड पैच है, कच्चा रास्ता है पूरा, लेकिन रास्ता ठीक है, गाड़ी आराम से जा सकती है, अभी तक तो जा सकती है, आगे पता नहीं कैसा होगा। भाई सही बताऊं तो इस ट्रिप का जो मज़ा है ना वो मेरे को आना शुरू हुआ असली मज़ा धनकर पहुंचने के बाद। धनकर से आगे जब पहुंचा ना अब लग रहा है कि हाँ ये स्पीति वैली है। और यहाँ पर ये जो पत्थर वत्थर पड़े हुए हैं थोड़ा सा इनसे बचा के चलनी पड़ती है, कहीं ये गाड़ी वाड़ी में ना नीचे लग जाए। और थोड़ा ध्यान भी रखना होता है कि और कोई पत्थर वत्थर ना गिर रहा हो। भाई इस पूरे रास्ते से कोई नहीं आया, पूरे रास्ते में मेरे को कोई टूरिस्ट नहीं मिला सिवाय एक गाड़ी के जो कि वहाँ 2 मील में थी। देखभाल के चलना पड़ता है, अगर गाड़ी में कोई समस्या आई ना तो फिर फंस जाएंगे यहाँ। और यहाँ ये जो पहाड़ है इनसे ऊपर पत्थर गिरने का भी थोड़ा सा खतरा रहता है। ये देखिए जैसे अभी सड़क के बीच में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा देख के आराम से निकाल लो, अगर गाड़ी में नीचे लगे तो फिर कुछ डैमेज वगैरह हो सकता है। भाई ये वाला जो रास्ता है ना यार मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे को भी क्या फील हो रहा है नहीं कर सकता मैं बयान। ओके तो दोस्तों स्पीति वैली में हमें यहाँ अपना फर्स्ट वाइल्ड एनिमल देखने को मिला, बहुत ही अद्भुत नज़ारा यार, फर्स्ट वाइल्ड एनिमल स्पॉटिंग इन स्पीति इन द एंटायर ट्रिप, एंड वाओ दिस इज जस्ट वाओ। तो दोस्तों ये फ्रेम के सेंटर में जो दिखाई दे रही है ये हिमालयन ब्लू शिप, और बहुत ही रेयर साइटिंग होती है दोस्तों, और आई एम फीलिंग सो लकी टूडे दैट आई फाउंड दीज। तो अभी चलते हैं यहाँ से दोस्तों आगे की तरफ और इनको जाने देते हैं अभी। तेरा ब्लू शिप है सर नीचे। ओके तो दोस्तों यहाँ से अभी मेरे को तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन सर अभी जो ये अपनी दूरबीन से देख रहे हैं यहाँ पर 13 ब्लू शिप्स है नीचे। और ये देखिए दोस्तों अभी जिस रास्ते से हम निकले हुए हैं उस रास्ते पे हमें ये रास्ते में ही बर्फ मिल गई यार। ये वाला जो रोड मैंने लिया ना इट फील्स लाइक ट्रू एडवेंचर। और यहाँ भी बहुत ठंड हो रखी है, मैंने जैकेट नहीं पहनी, अभी गाड़ी से बाहर निकला हूँ, बहुत तेज़ हवा है। यहाँ से अभी जाते हैं नीचे कॉमिक की तरफ, और ऑक्सीजन का भी यहाँ पर दोस्तों इशू है, लेकिन अगर जैसे ड्राइव कर रहा हूँ तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर आप
भागने वागने की कोशिश करोगे तो आपको फील होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम है। और यहाँ पर ये देखिए किस प्रकार का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। मेरे हाथ अभी जमने शुरू हो गए। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर दो वाइल्ड बाइसन या फिर पता नहीं यार, दो नहीं तीन यार, तीसरा भी है एक और, तीन है ये। ये क्या बोलते हैं जो याक में भी, ये याक भी हो सकता है। और ऐसा कुछ नज़र आए तो चलते हैं दोस्तों, भी गाड़ी के अंदर बैठते हैं और यहाँ से अभी पहुँचते हैं कॉमिक, जो कि है वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज, और अभी हम लोग हैं कॉमिक से भी ऊपर तो चलते हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई तो एक जानवर है जो कि मरा हुआ है, और यहाँ पर क्योंकि स्नो लेपर्ड भी रहते हैं तो मे भी शायद किसी स्नो लेपर्ड ने इसका शिकार किया होगा और इसको खा के अभी इसका सिर्फ कंकाल बाकी बचा हुआ है यहाँ। तो ये जंगल है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी मिल सकता है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते वैसे पक्का। चलते हैं दोस्तों, अभी आगे चलते हैं यार। और ये देखो भाई अपनी यूपी 11 झंडे काट रही है झंडे। ओके तो दोस्तों अभी इस रोड पे चलते चलते सामने कुछ घर वर दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है ये कॉमिक विलेज हो, जाके पता चलेगा। और ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी तो है यार, थोड़ा सा तो महसूस देता है लेकिन उतना ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही अभी तक। तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मैं अभी कितनी सुंदर जगह पे हूँ, ये मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है। और इस एक्सपीरियंस में मेरे साथ है ये ऑल्टो 800 तो दोस्तों अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ से नीचे की तरफ जो ये कुछ घर अगर आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, ये है कॉमिक विलेज। और कॉमिक इज़ दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज जहाँ पर इंसान रहते हैं। और अभी मैं जिस रास्ते से आ रहा हूँ ना दोस्तों, ये जो पीछे रास्ता है ये कॉमिक से भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होके आ रहा है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी खूबसूरत खूबसूरत जगह मैं देखते हुए आया हूँ। और इस वक्त जिस जगह में हूँ, अगर वो जगह मैं आपको दिखाऊँ, एक बार दिखाई देता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये चारों तरफ ये पहाड़ियाँ, बर्फ की चोटियां, और ये खड़ी अपनी गाड़ी। और ये देखिए दोस्तों ये कहीं जो फ्रेम के सेंटर में दिखाई दे रहा है वो शायद कॉमिक विलेज है। और अभी हम लोग चलते हैं कॉमिक विलेज में और मिलते हैं आपसे वहीं पर। ओके तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं कॉमिक, और अभी हम लोग कॉमिक से थोड़ा सा ऊपर की साइड में है, यानी कॉमिक अभी थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा हमें कॉमिक के लिए, क्योंकि मैं जिस रास्ते से आ रहा हूँ दोस्तों वो रास्ता काफ़ी ऊपर की तरफ से आता है, मतलब कॉमिक साइड से जो पहाड़ आपको दिखाई देते हैं ना, ये समझ लो आप उन पहाड़ों के ऊपर से ये रास्ता आ रहा है। तो दोस्तों अभी पहुँचते हैं कॉमिक, और ऑक्सीजन का इशू जो है
मैंने तो नहीं फेस किया यार, मतलब अभी इस वक्त मैं कॉमिक से भी ऊपर हूँ और यहाँ पर भी मुझे ऑक्सीजन का इशू नहीं हुआ। हल्का सा मतलब महसूस तो देता है कि भाई, मतलब हल्की सी, बहुत ही बिल्कुल मामूली सा बस पता चलता है कि हाँ सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वो इतनी तकलीफ होती है कि अगर आप ध्यान ना दे तो नोटिस भी नहीं कर पाओगे, ऐसे ही लगता रहेगा बस आपको। बट ऐसा सभी के साथ नहीं होता, बहुत सारे लोगों को सांस की समस्या हो जाती है यहाँ पर, और कई सारे लोगों को तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। अभी मुझे क्यू में कुछ लोग जो मिले थे, वो लोग इधर से वापस आ रहे थे काजा की साइड से, और उन लोगों ने मुझे बोला था कि ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेना काजा से अगर काजा की तरफ जा रहे हो तो, नहीं तो ऑक्सीजन वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। बट थैंक गॉड अभी तक तो कोई ऐसा इशू नहीं आया है, और मैं भी यहाँ से दरअसल जिस रास्ते में से मैं अभी आया हूँ ना, उस रास्ते से आता हुआ मैं भी थोड़ा सा डर रहा था, क्योंकि काजा की साइड से रुकते रुकते आराम से आता मैं तो हल्की हल्की सी चढ़ाई होती, लेकिन मैं डायरेक्टली अभी कॉमिक पहुंच गया हूँ। कॉमिक मतलब स्पीति में क्या दुनिया में सबसे हाईएस्ट विलेज है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड दुनिया में है या फिर इंडिया में यार, इसका मेरे को ना अभी तक 100% श्योर नहीं है, तो कॉमिक जाके पता चलेगा। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर रोड के पास में ही बर्फ़ जमी पड़ी है, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो काफ़ी बर्फ़ है। ओके तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज में। तो दोस्तों ये मेरे पीछे यहाँ कॉमिक विलेज, और जस्ट अभी अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और ये मेरी गाड़ी पीछे खड़ी हुई है, और अभी देखते हैं यहाँ पर आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर है। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ ये एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर लिखा है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट कॉमिक, और ये इस तरफ कुछ तो शायद स्कूल या फिर मोनेस्ट्री टाइप कुछ दिखाई दे रहा है। तो एक बार चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या है।